गाइस, वी विल डिस्कस पार्ट सेकेंड ऑफ द सीडीएस 2018 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आंसर की, जो सबसे पहले है वो है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। मैंने पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो 1 to 70 क्वेश्चन को लेकर चल रहा है, वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल सॉल्यूशंस वे टू सक्सेस से। और जो हम पार्ट सेकेंड डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस हैं। इनको सेंटेंसेस को ऑर्डर करने का सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ये होता है कि क्योंकि आपको पहला और आखिरी सेंटेंस इन्होंने दिया है S1 और S6, तो आप देख लीजिए कि S1 के जस्ट बाद कौन सा सेंटेंस आएगा और S6 के जस्ट पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, उन्हीं के बेसिस पे जो है वो अरेंज हो जाता है। फिर तो हम डायरेक्टली आंसर्स डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इट विल टेक सो मच टाइम टू डिस्कस ईच क्वेश्चन। फिर है 71 का आंसर CQRPS। 72 है, इसका आंसर होगा ARPQS। फिर 73 जो है, इसका आंसर है DSPQR। 74 का आंसर जो करेक्ट है वो है CQSRP। 75 जो है, उसका आंसर जो करेक्ट है वो है BPSQR। 76 जो है, उसका जो आंसर करेक्ट है वो है AQPSR। 77 का जो आंसर करेक्ट है वो है ARSQP। 78 का जो आंसर करेक्ट है वो है BRSQP। फिर जो 79 है, उसका जो आंसर करेक्ट है वो है DSRPQ। फिर जो 80 है, उसका करेक्ट आंसर है BRQPS। अब हम लोग एंटोनियम्स डिस्कस करेंगे, मतलब ऑपोजिट इन द मीनिंग। तो नेव का ऑपोजिट होता है वाइस, सुटेबल का होगा इनसफिशियंट। फिर है 83 क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब किसी की आलोचना करना, तो इसका जस्ट ऑपोजिट होगा अप्रिसिएशन, मतलब तारीफ करना। फिर है एंशियस। एंशियस मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, जैसे मतलब एंशियस बहुत ज़्यादा होना। फिर कंपोज मतलब होता है काम होना, गंभीर होना। फिर है 85 में एक्टिविटी है। एक्टिविटी मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव होना, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होना। फिर इसका हो जाएगा डॉर्मेंट। डॉर्मेंट मतलब होता है एकदम निष्क्रिय होना। फिर 86 में है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर मतलब होता है कुछ बहुत स्पेशल। कॉमन मतलब होता है नॉर्मल, जनरल। तो 86 का आंसर है ए करेक्ट। फिर 87 में है चार्मिंग। चार्मिंग का अपोजिट होता है रिपल्सिव। चार्मिंग मतलब जो बहुत अच्छा हो, आकर्षक हो। रिपल्सिव मतलब होता है जो किसी को अपनी तरफ आकर्षित ना कर पा रहा हो। फिर है नेक्स्ट 88, मैकबेथ इज एन एबोमिनेबल फिगर। एबोमिनेबल फिगर, एबोमिनेबल मतलब क्या होता है कि ऐसा जो मतलब एकदम पसंद नहीं किया जाए, जो बहुत ही एग्जैक्ट जो इसका वर्ड होता है वो वर्ड होता है घिनौना। ठीक है, तो अब ओमिनेबल का मतलब होगा घिनौना, तो इसका ऑपोजिट होता है रिप्यूटेबल। फिर है 89 फैनाटिकल आइडियोलॉजी। फैनाटिकल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा हठी आइडियोलॉजी, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा मॉडरेट। फिर है 90 राकेश इज़ वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है किसी चीज़ के लिए हानि, मतलब किसी चीज़ के प्रति उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो। जैसे कि वल्नरेबल मतलब होता है हम किसी बीमारी से बहुत वल्नरेबल हैं, तो मतलब उस बीमारी को हम जल्दी कैच कर सकते हैं इस तरीके से। तो इसका होगा रेजिलिएंट। अपोजिट 90 का डी। रेजिलिएंट मतलब होता है कि हम उससे इम्यून है एक तरीके से। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स। तो जो 91 है उसमें भरेंगे एब्जॉल्व। इन द फेस ऑफ द ओवरवेलमिंग मास ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, वी कैन नॉट एब्जॉल्व हिम ऑफ द क्राइम। एब्जॉल्व मतलब फ्री करना, कि उसे इतने सारे एविडेंस है उसके अगेंस्ट, तो हम उसे फ्री नहीं कर सकते। फिर 92 है, आई होप दैट द रेन विल स्टे आउट फॉर आर पिकनिक टुमारो। तो 92 का डी है। स्टे आउट मतलब बाहर रहना, मतलब हम पिकनिक पे जा रहे हैं तो रेन हमको डिस्टर्ब नहीं करेगी। फिर 93, आफ्टर द मैराथन सम ऑफ द कम्पटीटर्स फेल्ट कम्प्लीटली डन इन। 93 का बी, डन इन। डन इन मतलब होता है एग्जॉस्टेड, थका हुआ महसूस करना। फिर 94, स्कैर्सली हैड द टीचर एंटर्ड द क्लास व्हेन ही हर्ड द नॉइज। तो ये एक तरीके से आपको पता होगा कि यहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं, इसलिए हैड का यूज़ हुआ है। फिर आई डू नॉट थिंक ही विल एवर गेट ओवर द शॉक ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। गेट ओवर मतलब उतरना, एक तरीके से जैसे कि उससे बाहर आ पाना। तो क्योंकि उसके वाइफ की डेथ हो गई है, तो उस शॉक से वो जल्दी बाहर नहीं आ पाएगा।
फिर है इट इज़ नो यूज़ इन क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, फटे हुए दूध, मतलब कि जो हो गया है उसके लिए दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो 96 का डी स्पिल्ट मिल्क। फिर 97, यू मस्ट गो टू द स्टेशन नाउ, योर ब्रदर नीडेंट गो जस्ट येट एज हिज ट्रेन लीव्स आफ्टर द थ्री, तो इसका है 97 का डी। फिर 98 है, एवरी रैश ड्राइवर बिकम्स अ पोटेंशियल किलर, मतलब जो ढंग से गाड़ी नहीं चलाते हैं वो भविष्य में, मतलब पोटेंशियल है, ऐसी संभावना है कि वो किलर बन सकते हैं। किलर मतलब एक्सीडेंटल डेथ की यहाँ बात हो रही है। 99, द कंट्री ओज अ डीप डेप्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो ग्रैटिट्यूड यहाँ वर्ड होगा फॉर द फ्रीडम फाइटर्स। फिर 100, द होल लॉट ऑफ यंग मैन वॉज वेरी इंथुजियास्टिक बट योर फ्रेंड अलोन वॉज अ वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मतलब होता है कि सभी लोग तो बहुत एंथुसियास्टिक थे पार्टी करने के लिए या किसी चीज़ के लिए तैयार थे, पर वेट ब्लैंकेट मतलब क्या होता है कि उसने सबका मूड खराब कर दिया, सबके फन को खराब कर दिया। फिर है सिनोनिम्स, सिनोनिम्स मतलब होता है सेम मीनिंग। अ ट्रूली रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइट पर्सन, राइट पर्सन का यहाँ सेंस है पका हुआ नहीं, यहाँ मेच्योर से मतलब है। फिर द सोल्जर्स रिपेल्स द आर्मी, रिपेल्ड द आर्मी, रिपेल मतलब आर्मी को भगा देना। फिर शी डेफली मास्ट हर फीलिंग्स, मास्क मतलब छुपाना होता है और यहाँ हाइड मतलब छुपाना होता है, तो 103 का ए हाइड। फिर है 104, वेंडर्स, वेंडर्स वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं, वन एंगेज्ड इन सेलिंग, तो 104 का डी हो जाएगा करेक्ट। फिर 105, दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14, एडमिट मतलब क्या होता है, एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना और एक्सेप्ट मतलब भी होता है स्वीकार करना, तो 105 का सी आंसर हमारा करेक्ट है। फिर है द ज्वेल्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हर बेडरूम, स्टोलन के लिए यहाँ जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड है वो एम्बेजल्ड है, 106 का ए। फिर 107, द सोल्जर शोड एन एग्जेम्पलरी करेज, मतलब बहुत ही हटके, बहुत ही ज़्यादा आइडियल यहाँ वर्ड यूज़ होगा, 107 का सी। फिर 108, दे सर्व फ्रूट्स आफ्टर द डिनर, तो यहाँ पे सर्व मतलब क्या होता है, दे ऑफर्ड फूड आफ्टर डिनर, क्योंकि असिस्टेड ओब्लाइज और वेटेड तो यहाँ होगा नहीं, तो 108 का डी। फिर 109, द कमिटी शुड रिकमेंड हिज नेम टू द गवर्नमेंट, तो रिकमेंड मतलब होता है सजेस्ट करना या एडवाइस करना, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है सजेस्ट, 109 का डी। 110, कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ, यहाँ क्वेश्चन है तो इसके लिए रेस्क्यू वर्ड यूज़ करेंगे, कैन मेडिसिन रेस्क्यू अस फ्रॉम डेथ। फिर ऑर्डरिंग करनी है वर्ड्स सेंटेंसेस को, तो ये आप मैं डायरेक्टली डिस्कस कर दे रही हूँ, बता दे रही हूँ कि इनके आंसर्स क्या हैं। तो 111 जो है, तो द ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर वाला, उसका आंसर है सी, ई अरेंज हो गया एस पी आर क्यू में। फिर 112 का जो आंसर है वो है पी आर एस क्यू। फिर है 113, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है सी आर पी एस क्यू। फिर जो 114 है इसका आंसर है डी आर पी एस क्यू। फिर जो 115 है उसका आंसर है सी क्यू आर एस पी। फिर है 116 जिसका आंसर है डी एस पी आर क्यू। फिर 117 का आंसर है एस पी आर क्यू। 118 का आंसर है डी क्यू आर पी एस। और 119 का आंसर है एस पी आर क्यू। और 120 का आंसर है एस क्यू आर पी। तो ये हमने अरेंज किया हुआ है पहले से, आप इसे अरेंज करके देख सकते हैं। इन केस यू हैव एनी डाउट, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। साथ ही हमने जो जीके की आंसर की है सीटेस 2018 की, वो भी अपलोड कर दी है, आप उसे भी हमारे चैनल सॉल्यूशंस वे टू सक्सेस से चेक कर सकते हैं। वैसे हम इसे डिस्क्रिप्शन में भी नीचे डाल दे रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट लिंक खोल के चेक कर सकते हैं। तो गाइज आप अपने आंसर मिला लीजिए और आपको पता चलेगा कि आपने कितना सही किया है। ऑल द बेस्ट गाइज।